असलकम फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस सुहाने सफ़र में कैसे हो आप सब ठीक हो आज खूबसूरत सी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर है उम्मीद करते हैं आप इसे ज़रूर सुनोगे इंशाल्लाह ताला ठीक है सो so, आप सबका वेलकम करते हुए वे। हम इसकी तरफ बढ़ते के देखे बहुत ही प्यारी कहानी बहुत ही खूबसूरत सी और शायद ये हमने सारी ये कहानी तो हमने हर वक्त सुनी है हदीस में कुरान में हर जगह है लेकिन फिर से हम अपनी मेमोरी ताज़ा करते हैं कि हमारे लिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ किया और हम क्या कर रहे हैं कोशिश तो करना चाहिए इन ताला चले हज़रत अली रदिल्ला के घर में सब ने रोज़ा रखा था हजरत फातिमा के दो छोटे बच्चे उन्होंने भी रोज़ा रखा मगरिब का वक्त होने वाला है सबके सब मुसल्ला बिछा के रो रो के दुआ मांगते हैं हजरत फातिमा अल्लाह दुआ खत्म करके घर में गई और चार रोटी बनाई इससे ज्यादा अनाज उनके घर में नहीं था पहली रोटी अपने शोहर अली अल्लाह के सामने रख दी दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन अल्लाह के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हुसैन अल्लाह के सामने बची एक रोटी जो उन्होंने अपने सामने रख दी और जैसे ही मस्जिद नबी में अजान हुई जैसे ही मस्जिद नबवी में अजान होने लगी सब ने रोटी से रोजा खोला मगर दोस्तों वो फातिमा रद रदील्ला थी जिसने आधी रोटी खाई और आधी रोटी दुपट्टे से बांधने लगी ये मामला हजरत अली रजी अल्लाह देखा और कहा कि अ फातिमा तुझे भूख नहीं लगी एक ही तो रोटी है इसमें से आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो पर फातिमा ने कहा कि अली रदिल्ला हो सकता है मेरे बाबा जान मोहम्मद वसल्लम को इफ्तारी में कुछ न मिला हो वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ नहीं खाया होगा फातिमा रदिल्ला दुपट्टे में रोटी बांधकर कर चल पड़ी इधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़कर आ रहे थे हजरत फातिमा को दरवाजे पर खड़ा देखकर हुजूर कहते हैं ए फातिमा तुम दरवाजे पर कैसे फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अंदर तो ले चले हजरत फातिमा रदिल्ला की आंख में आंसू थे कहा जब इफ्तार की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाया ना हो इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांध कर ले आई हूँ रोटी देखकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहा ऐ फ़ातिमा अच्छा किया जो रोटी ले आई वरना चौथी रात भी तेरे बाबा की इसी हालत में निकल जाती अल्लाह अकबर दोनों एक दूसरे को देख कर रोने लगते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी तो फ़ातिमा रद्ल तला ने कहा बाबा जान आज अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी फिर अपने हाथ से खिलाने लगी रोटी खत्म हो गई और हजरत फातिमा दिल्ला रोने लगती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा कि फातिमा अब क्यों रोती हो कहा अब्बा जान कल क्या होगा कल कौन खिलाएगा कल क्या मेरे घर में चूल्हा जलेगा कल क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा हाथ फातिमा प्यारी दुख तरफ और दिल्ल के सर पे रखा और कहा कि ए फातिमारदिल्ला तू भी सब्र करे और मैं भी सब्र करता हूँ हमारे सब्र से अल्लाह ताला उम्मत के गुनहगारों का गुना माफ करेगा अल्लाह अकबर ये होती है मोहब्बत जो नबी को हम से थी उम्मत से थी ये गुनहगार उम्मती हम ही तो है जिनके लिए नबी भूके रहे नबी की बेटी भूखी रही अल्लाह अकबर अल्लाह ताला हम सब के दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और हमारे गुने गुनाहों को माफ़ करे और बस जो भी दुआ करे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से दुआ कबूल फ़रमाए आमीन या रबल आलमीन